टेन प्लस टू करते करते मैं अपने शहर का एक जाना माना अपराधी हो गया क्रिमिनल अब जीवन में मेरी चुनौती आ गई अकेले रहना है खाना बनाना है पढ़ना है जैसे किताब खोलू चार लाइन पढ़ो मुझे नींद आ जाए सतपत पर हमें लगाकर ही जाते हैं हमें जगा कर ही हमें अपने बच्चों के जिंदगी से संघर्ष नहीं छीनना चाहिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भारत का एक ऐसा एग्जामिनेशन है सात घंटा पढ़ना है ये बड़ी ये बात नहीं है 365 दिन पढ़ना यूपीएससी क्या है तुम यूपीएससी देना चाहते हो तो क्या है ये वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ अतुलित यश क्रेता कौन हुआ नवधर्म प्रणेता कौन हुआ मैं रश्मि रथ की इन लाइनों से अपनी कहानी शुरू करूंगा क्योंकि इन लाइनों ने सिर्फ दर्शन की भूमिका नहीं अदा की देर नॉट सिंपली द लाइन्स ऑफ फिलोसफी पोटेंशियल टू चेंज द लाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ हर आदमी एक एम्बिशन लेकर पैदा होता है या पैदा नहीं भी हुआ तो समय के साथ उस एम्बिशन को वो पैदा करता है या ना भी कर पाए तो समाज उसे एम्बिशन देता है कम से कम पेरेंट्स कहते हैं मेरा राजा बेटा मतलब बच्चा अगर रिक्शे वाले के घर में भी पैदा हुआ तो माँ तो उसको राजा ही बोलेगी यानी हर फैमिली में या तो एम्बिशन आपको नेचुरल मिला है या आपको समाज ने दिया है या आप अपने घर से ही इंस्पायर्ड हैं तो ये जो लाइनें हैं चार वो ये पूछ रही हैं कि तुम्हें पता है कि वसुधा का इस धरती का नेता कौन हुआ तुम्हें पता है कि भूखंड विजेता मतलब किसने जमीनों को जीता अलेक्जेंडर अशोक अतुलित यश क्रेता इतना यश इतना सम्मान जैसे श्री कृष्ण धर्म प्रणेता किसने नए धर्मों को चलाया कौन थे वो लोग जिन्होंने ये सारे काम किए तो अगली लाइन में वो बोलता है जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया जिसने ना कभी आराम किया विघ्न हम सब भागते हैं कोई हमारा हाथ देखता है और उसने कह दिया तुम्हारी लाइफ में बहुत संघर्ष आप टेंशन में आ गए कि अच्छा बाबा जी तो संघर्ष तो मोदी जी की भी जिंदगी में है ना दो बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं तीसरी बार बनने जा रहे हैं संघर्ष नहीं है हमने संघर्ष शब्द को बहुत नेगेटिवली ले लिया दंगल मूवी का एक बड़ा प्यारा गाना मां के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी दंगल दंगल थीम सॉन्ग है वो थीम मुझे वो थीम सॉन्ग इतना अच्छा लगा कि मां के पेट से मरघट तक तो संघर्ष जो है वो जीवन का एक अहम हिस्सा है आपको नहीं करना आप ले चले जाओ बचोगे नहीं जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों में विघ्न मतलब चैलेंज चुनौती संघर्ष अब ये चैलेंज करता गया है इसीलिए जो बड़े घरों के बच्चे होते हैं बड़ों घर के मतलब एरिस्टोक्रेसी के बच्चे हैं वो उनके मां बाप क्या करते हैं जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से में उनको चैलेंज नहीं लेने दे अरे रे मेरा बेटा ए नहीं है जनरेटर लगा दो नहीं अकेले बाजार नहीं जाएगा अंधेरे में नहीं जाएगा जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों में रह वो बड़े लोग क्या करते हैं अपने बच्चों से ये छोटे छोटे चैलेंज छीन लेते हैं प्यार में कभी सुना है कि प्यार नुकसान करता बहुत करता है ऐसी नहीं कि दुश्मनी ही नुकसान करती प्यार भी बहुत नुकसान करता है चैलेंजेस मैं छोटा था क्लास में तो लोग मुझे टीप मारते थे दिन में चार बार मार दिया होमवर्क वाली जो मेरी कॉपी होती थी उसमें गोद देते दे थे आगे मतलब ऐसे बना दिया कि ये टीचर से मार खाएगा मेरे होमवर्क वाले पेज को टेर कर देते थे मैं एक सामान्य से घर का लड़का गांव से आया हुआ गोंडा शहर में पैदा हुआ फातिमा इंटर कॉलेज में, में मेरी पढ़ाई शुरू हुई दुनिया का सबसे प्यारा स्कूल कम से कम मेरे लिए श्रेष्ठतम टीचरों से मुलाकात हुई अच्छे अच्छे टीचरों से चंद्रभूषण सिंह सीबी सिंह पता नहीं क्या देखते थे अभी जल्दी मेरी मुलाकात उनसे शादी में हुई वो मेरे अंदर पता नहीं क्या देखते थे बोलते थे तुम गाली देते थे, थे। मतलब ऐसे वर्ड का इस्तेमाल तुम जाले राजा बनोगे किसी दिन अदा है तुम्हारे अंदर मैम हैना थी मैम अलेक्जेंडर थी पढ़ाते थे और फिर वो अवध ओझा एक यू टर्न मारता है क्लास इलेवेंथ में आकर एक दूसरी दुनिया में एंटर करता मार खा के परेशान होके और मां बाप अलग परेशान बीस साल से गांव से बाहर भगा दिया तो रिपेल करता है वो रिपेल विद्रोह अभी एक शो पे था मैं उस शो पे मैंने बताया कि इतनी मेरी स्थिति खराब हो गई थी कि मुझे रिपेल करना पड़ा झगड़ा करना पड़ा हमें अपने बच्चों के जिंदगी से संघर्ष नहीं छीनना चाहिए क्योंकि ये संघर्ष करते क्या है अगली लाइन फिर कह दिए कि जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्ट्रगल जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं क्या करते हैं मन को मरोड़ते हैं पल पल डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन टेंशन आप खुद से लड़ रहे हो आप आइएस की तैयारी तो कर रहे हो उसमें डेली मिनिमम सात घंटा पढ़ना है मिनिमम और और दूसरी सबसे खतरनाक बात मिनिमम सात घंटा पढ़ना है ये ये बड़ी बात तीन सौ पैंसठ दिन पढ़ना है तुम पंद्रह दिन डिसिप्लिन रह सकते हो दबाव में बीस दिन रह सकते हो एक साल 95 फाइव परसेंट लोग जो आईएएस की तैयारी में मार खाते हैं वो इसीलिए खाते हैं अब मैं मेरा रास्ता बदल गया मतलब करते -करते का एक जाना अपराधी हो गया क्रिमिनल अब क्या हुआ कि मेरे घर वाले बहुत खासकर मेरी माता जी बड़ी परेशान हो गई कि एक ही लड़का और वो वांटेड बहुत परेशान रहती थी वो और दुनिया के सारे अच्छे शौक हो गए मुझे सिगरेट पीना शराब पीना ये जो, जो कहते हैं ना राजा के शौक नौ रत्नों में से एक चढ़ाने वाले भी ऐसे ही बताते हैं नशा तो तो नौ रत्नों में से एक है तो अपने बच्चे को पिलाओ तुमको जो भी ये सब चीजें सिखाएगा ना याद रखना वो उसे प्रमोट करके सिखाएगा कह रहे शराब तो राजा महाराजा पीते हैं तो अपने बच्चे को पिलाओ अपने बेटे को पिलाओ ना अगर राजा महाराजा पीते हैं तो जिस आदमी के तुम साथ रहते हो जो काम वो अपने बच्चों के साथ नहीं करता और तुम्हारे साथ करता है तो तुम्हारा दुश्मन है अगर तुम्हें सिगरेट पीने के लिए कहता है और अपने बेटे को भी कहता है तो तो बहुत अच्छा आदमी है फिर तो वो बहुत अच्छा आदमी है कि अपने बेटे को भी सिगरेट पकड़ा दिया कि ले भाई तू भी पी ले लेकिन जो काम वो तुम्हें कहता है करने के लिए लेकिन अपने बच्चों को नहीं कहता वो तुम्हारा दुश्मन है ये तुमको लिटमस टेस्ट बता रहा हूं इसको ट्राई करके देखना मेरे एक दोस्त हैं भगवान उनको जन्नत में रखे स्वर्ग में उनके यूनिवर्सिटी का दो फॉर्म आ गया अब ढूंढ रहे थे कि किसी तरह एक फॉर्म नहीं तो उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा इलाहाबादी से हमें भी लगा कि यार इतना प्रेम कह नहीं, नहीं हम तुम्हारे लिए फॉर्म मंगाओ इलाहाबाद चल रहा एग्जाम देने मेरे लिए इलाहाबाद एग्जाम देने जाना मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीतना इतनी खुशी क्योंकि तो बहुत दिन से मैं घर में बंद था पहरा लगा हुआ था मेरे ऊपर कि तुम बाहर नहीं जाओगे मैंने अपनी माता जी से कहा कि अब मैं पढ़ना चाहता हूं उनको भी बड़ा अजीब लगा कि अरे मुझसे किसी ने सवाल किया था कि आप कभी एक्टिंग करेंगे ड्रामेबाजी का शौक है और ड्रामेबाजी बड़ी प्यारी चीज है लाइफ में बड़ी मदद करती है आपको बहुत हेल्प करती है तो मैं बड़ा सीरियस हो गया उनके सामने कि मैं जो है अब मैं पढ़ना चाहता हूँ उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि यार बेटे का मन बदल रहा है और वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस मैं अब घर की कैद से बाहर निकला अब हमको तो कुछ आता नहीं था वहां मुझे एक बहुत भगवान जैसा आदमी मिला पता नहीं मैं उसका नाम नहीं जान पाया हालांकि मैं तीन साल के ग्रेजुएशन में मैं उस आदमी को ढूंढता रहा कि कम से कम थैंक यू तो बोल दू और उस आदमी ने जू इंटर कॉलेज है इलाहाबाद में वही मेरा सेंटर पड़ा था तो उस आदमी ने मुझसे कहा उस लड़के ने मुझसे कहा कि यार तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें बता दूंगा और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में पास हो गया इसी को बोलते हैं ब्लेसिंग ये भाग्य नहीं है ये भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर तो कहानी कहां काहन से शुरू हुई थी कि जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झंझोरते हैं पल पल मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट हो गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चैलेंज आ गया मेरे जीवन में तो चैलेंज लेने का शौक है हमको हमको बड़े उल्टे चीजें शौक है उसमें से एक शौक है चैलेंज लेना हार जाए तो कोई फर्क नहीं इस जीवन में हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं आप कभी मोदी जी तो से मिले तो उनसे पूछिएगा कभी मुकेश अंबानी से मिले तो उनसे पूछिएगा कभी बराक ओबामा से मिले तो उनसे पूछिएगा इस जीवन में हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं ये शब्द शाही वर्ग ने पैदा किया था मिडिल क्लास को डिप्रेस करने के लिए कुछ शब्द हैं जो शाही वर्ग ने पैदा किया है अब जीवन में मेरी चुनौती आ गई अकेले रहना है खाना बनाना है पढ़ना है और मैं जैसे ही किताब खोलूं, चार लाइन पढ़ूं मुझे नींद आ जाए तब मेरे टीचर ने मुझसे कहा इलाहाबाद में दो लोग मुझे बहुत शानदार मिले हैं एक मिस्टर एम्पति हम जब इलाहाबाद पहुंचे ग्रेजुएशन करने तो माता जी ने कहा कि जब तक एडमिशन नहीं होता है तब तो तक तुम मेडिकल की कोचिंग कर लो अरे मैंने कहा हम कहा डॉक्टर बनने जा रहे हैं वो नहीं कर लो कुछ चीजें हैं जो आपको जीवन में कभी नहीं बनना है आपको पता है कि बनना ही नहीं डॉक्टर मुझे बनना ही नहीं पर उन्होंने जबरदस्ती मेरी ससदेवा कोचिंग में एडमिशन करा दिया वहां मुझे बहुत शानदार आदमी मिले एम्पति साहब अगर आप इलाहाबाद से हैं क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाते थे और हमारी कोचिंग में वो पढ़ाते थे बॉटनी भगवान जैसा टीचर भगवान जैसा टीचर भगवान हंसता हुआ नाचता हुआ गाता हुआ टीचर तब हमें पहली बार पता चला कि यार पढ़ना का भी एक स्टाइल है और एच एस उपाध्याय सर का तो नाम बार बार में लेता किसी भी काम को जब करना हो ना उस पर होमवर्क करो पहले पता करो ये क्या है ये यूपीएससी क्या है तुम यूपीएससी देना चाहते हो क्या है ये इसका सिलेबस क्या है ये मुझसे क्या जानना चाहती है कोचिंग क्यों जाना चाहिए तुम बिना क्या जाने कूद पड़ते हो जैसे कुछ लोग स्विमिंग पूल में तैरते हैं सोसाइटियों में मैं उसको तो स्विमिंग पूल मैं उसको तो तैरना मानता ही नहीं फिर उनको एक इल्यूज़न होता है कि हम तैर लेते हैं जाके गंगा में कूद गया बनारस में अब पानी के अंदर तो वाटर करंट होता है नदी के अंदर अंडर करंट होता है एक तो करंट और ऊपर से क्या होता है नदियां कटान करती हैं, जमीन को काटती हैं। तो छोटी छोटी केव्स होती हैं पानी के अंदर कभी कभी उसी केव्स में आदमी घुस जाता है फिर वो हाथ पैर मारता है ज्यादातर लोग हाथ पैर मार के मर जाते हैं किसी चीज को करना चाहते हो उसको होमवर्क करो आर एन डी करो टाइम दो उसको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भारत का एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको एक एक ऐसा वर्ग चाहिए एक ऐसा क्लास चाहिए जिसको प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स पता हो टिकल नहीं प्रैक्टिकल 1950 की इंडियन इकोनॉमी 1991 की इंडियन इकोनॉमी और 2040 की हम कहां थे हम कहां पहुंचे कहां जाना चाहते हैं यह उसकी डिमांड है लेकिन यह चीज समझने के लिए जो थियोरिटिकल पार्ट ऑफ इकोनॉमी है वो तो समझना पड़ेगा स्टडिंग इज डिफरेंट प्रिपरेशन इज डिफरेंट स्टडिंग का मतलब आपने नेशनल इनकम चैप्टर को तैयार किया दैट इज आपको पता चला जीडीपी क्या है आपको पता चला जीएनपी क्या है आपको पता चला एनडीपी क्या है ये सब आपको पता चला ये स्टडिंग है फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट ये है कि आपको ये पता चला कि 1950 में इंडिया की जीडीपी क्या थी कहां कहां से आती थी तुम्हारा बेसिक्स नहीं है ना बना लो पहला पॉइंट अपनी डायरी में लिखो कि हू एवर वॉन्ट्स टू तो प्रीपेयर फॉर आई एस शुड है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं टेंथ के बाद छोड़ देते हैं तो आपको पता नहीं वॉट इज इकोनिमी वॉट इज जॉग्रफी वॉट इज पॉलिटी दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू फॉलो बेसिक्स इकोनॉमी का क्या रोल है लाइफ में ज्योग्राफी का क्या रोल है लाइफ में हिस्ट्री का क्या रोल है लाइफ में इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इफ अशोक कैन हैंडल इट इफ अकबर कैन हैंडल इट व्हाई नॉट द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस डायवर्सिफाइड भारत को अगर अशोक हैंडल कर सकता है अकबर कर सकता है तो आज की भारत सरकार भी कर सकती है इसलिए पढ़ना है जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं तैयारी शुरू करो तो जाग जाओ अगर जागोगे नहीं कोचिंग पहुंच जाओगे कुछ समझ में आएगा नहीं और दिमाग खाली रह नहीं सकता तो लड़के हो तो लड़की पकड़ लोगे और लड़की हो तो लड़का पकड़ लोगे पकड़ोगे जरूर तुमको किसी की आंखों में जन्नत दिखाई पड़ने ये आंखें नहीं है जब भी हमारा मन हमारे गोल मन शांत नहीं रह सकता ना कुछ चीजों जैसे हर बॉडी पार्ट्स के अपने फंक्शंस हैं किडनी का फंक्शन है लीवर का फंक्शन है हार्ट का फंक्शन है ऐसे मन का भी फंक्शन है वो शांत नहीं हो सकता या तो कोमा में शांत होगा या तो मरने पे शांत होगा परमानेंट शांत हो जाएगा वैसे वो शांति नहीं हो सकता तुम करके देखो आंख बंद करके देखो शांत करके देखो तुम पागल हो जाओगे तुम मन को रोक नहीं सकते हालांकि एक तरीका है रोकने का सांस पर वो दूसरा मुद्दा बाद में बात करेंगे पहला काम करो चुनौती को एक्सेप्ट करो क्योंकि चुनौतियां क्या करती है तुम्हें जगाने के लिए आती है जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं मन को मरोड़ते हैं पल पल घूम रहा हो तुम राजेंद्र नगर में कि नाटो क्या है भैया तो ट्वेल्थ की एनसीआरटी पढ़ लो कंटेप्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बताया है तो पहला बेसिक्स तैयार करो टाइम दो उसको उसमें पांच से छह महीने लगते हैं उसको टाइम दो आईएस इज अ प्रिपरेशन ऑफ टू इयर्स मन को झंझोड़ते हैं पल पल तन को मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झंझोड़ते नींद नहीं आएगी तुम्हें अच्छी बात है अब तुम अगर ये सब चीजें खुद से नहीं कर पा रहे हो और एक अच्छी गाइडेंस चाहते हो किसी कोचिंग को पकड़ लो कोचिंग सारी अच्छी होती है इस दुनिया में सारे टीचर अच्छे होते हैं सारी कोचिंग अच्छी होती है तुम किससे क्या ले सकते हो यह तुम पर डिपेंड करता है महमूद गजनी मकड़े से सीख लेता है मकड़ा जाला बनाते बनाते गिर रहा है, रहा है फिर उठ रहा है फिर गिर रहा है फिर उठ रहा है फाइनली वो जाला बना ही लेता है वो उससे सीख ले रहा है सीखना इज अ आर्ट लर्निंग इज अ आर्ट अगर आप इस स्टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश स्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूँ जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं स्टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स अब वो नया नहीं रहा काफ़ी टाइम से है लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं और जोश स्किल्स पे आप अपनी जिंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमर्स बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं पब्लिक स्पीकिंग पे इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं एक्सरसाइजेज हैं एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी आपको इंकरेज करेगी आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को Are you?